वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स लर्निंग साइड बाय सुमैरा खान। आज मैं अपनी इस वीडियो में पास्ट टेंस स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहली चार वीडियो प्रेजेंट टेंस के बारे में है, प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट आपको पता है। अगर आपने नहीं देख ली तो आप जाके देख सकते हैं। इसमें मैं प्रेजेंट पास्ट टेंस के बारे में कराऊंगी। स्टार्ट करती हूँ जल्दी से, ठीक है। तो पास्ट टेंस जो होते हैं वो चार होते हैं, पास्ट इनडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस वीडियो में सिर्फ हम पास्ट इनडेफिनेट के बारे में पढ़ेंगे और किसी के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर रही हूं मैं। वो सारे सेंटेंस जिसके लास्ट में यार, मतलब मैंने काम किया, गया, सोया, रोया, ठीक है, ये जो जिसमें या है, जो काम हो चुका पास्ट के, जो पास्ट में हो चुका, ठीक है, उसको हम पास्ट इनडेफिनेट कहेंगे। रूल बेहद सिंपल है, ही शी इट सिंगुलर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, बस। इसी तरह आई वी दे यू और प्लूरल के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और कुछ नहीं, बस बात खत्म, ठीक है। तो चलो मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। पहला जो सेंटेंस है वो है मैंने खाना खाया, तो मैंने मतलब आई, खाया को इंग्लिश होती है ईट, तो इसका खाया मतलब इसके सेकंड फॉर्म क्या होगी, एट, आई एट फूड, बस, ठीक है। सेकंड फॉर्म पर फोकस रखिए और उससे पहले आपको वर्ब की सारी फॉर्म्स आनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ओके। वर्ब आपको पता है क्या होता है, मैं नहीं पता, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। वर्ब मतलब काम होना, ठीक है। अब है वो सो गया, तो वो मतलब ही, सोना का होता है स्लीप, सो गया, सेकंड फॉर्म ही स्लेप्ट, ओके। नेक्स्ट है उसने काम किया, उस मतलब मैं यहां पर ही लगा रही हूं, उसने काम किया, काम को करने को डू बोलते हैं। अब उसने काम कर लिया तो डू, फिर उसकी सेकंड फॉर्म डिड, फिर डन, तो उसने काम किया, ही डिड इट, सेकंड फॉर्म, बस। मैंने गेम खेला, तो खेला का इंग्लिश होती है प्ले, फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड, तो मैंने गेम खेला, I played game. अब एक और लेती हूं मैं, उसने पैन पाया, पाना का होता है find, यहां पाया, तो उसकी सेकेंड फॉर्म होगी found, उसने पैन पाया, तो he found a pen, ठीक है। तो अब मैं अगला लेती हूं, मैंने एक मूवी देखी, देख चुकी हूं, पास्ट का मसला है, पास्ट में हो चुका, तो देखने के क्या होता है, see होता है, इसकी सेकेंड फॉर्म saw, तो मैंने एक मूवी देखी, आई सॉ अ मूवी, ठीक है। एक बात और मैं आपको बताती हूं कि आपकी मर्जी है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें या किसी सेंटेंस में पास्ट इनडेफिनेट यूज करें, वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि मैंने काम कर लिया है, तो इसमें है लग गया, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की फैमिली है, तो आई हैव डन, आप ऐसे भी बोल सकते हैं मैंने काम कर लिया है, आई हैव डन, या आप ये भी बोल सकते हैं कि मैंने काम कर लिया तो आई डिड इट, तो आपके ऊपर है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट पास्ट टेंस में सिर्फ है का फर्क होता है, तो आप या तो जिंदगी भर पास्ट टेंस यूज करें या आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें। मैंने गेम खेला तो आई हैव प्लेड, अगर मैं खाली बात करूंगी मैंने गेम खेला तो आई प्लेड, तो बस है का थोड़ा सा फर्क होता है। सीमा रोई, पास में चला गया, तो रोना का होता है क्राई, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्राई, सेकंड फॉर्म क्राइड, क्राइड, सीमा रोई, तो सीमा क्राइड, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास्ट इनडेफिनेट के एफर्मेटिव सेंटेंस, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें सेकंड फॉर्म लगानी है, चाहे वो ही शी इट सिंगुलर हो, प्लूलर हो, या आई वी यू दे हो, इन सबके साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अब हम जाएंगे यहाँ के नेगेटिव सेंटेंस के पास। नेगेटिव में क्या लगाते हैं, पास्ट इनडेफिनेट के नेगेटिव में लगता है डिड नॉट, तो यहां पर आप अब तक जिसने मेरी वीडियो सारी देखी होंगी वो डू नॉट, डज नॉट भी समझ चुके होंगे कि वो प्रेजेंट इनडेफिनेट में लगता है और डिड नॉट लगता है पास्ट इनडेफिनेट में। तो डिड नॉट जब लगे तो समझ जाओ ये पास्ट इनडेफिनेट का ही नेगेटिव है। तो मैं जल्दी से स्टार्ट कर रही हूं, रूल सुन लें।
पास्ट इंडेफिनेट में नेगेटिव में जाने के लिए क्या लगेगा, आप सिर्फ डिड नॉट लगाएंगे लेकिन उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, यानी कि वो सेकंड फॉर्म की सारी नेगेटिविटी डिड नॉट खींच लेता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि मैंने खाना खाया, सिंपल बनाऊंगी, आई एट फूड, सेकंड फॉर्म लगी है। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, मैंने खाना नहीं खाया तो आई डिड नॉट ईट फूड, तो फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी और डिड नॉट लग जाएगा, यानी कि डिड नॉट सारी की सारी सेकंड फॉर्म खींच के उसे फर्स्ट फॉर्म बना देगा, ये होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने काम किया तो आई डिड वर्क, मैंने काम नहीं किया सो आई डू नॉट वर्क, डिड मतलब किया, डू नॉट लग गया उसका मतलब वो लग गया ना, इसका मतलब पास्ट में लग गया। नेक्स्ट लेते हैं, वह मार्केट घूमने गया, तो इसका सिंपल होगा ही विजिटेड मार्केट, घूमने गया तो घूमने का विजिट होता है, इसका सेकंड फॉर्म विजिटेड। अब इसका नेगेटिव लेंगे तो वो मार्केट घूमने नहीं गया तो ही डिड नॉट विजिट मार्केट, ठीक है ना, तो फर्स्ट फॉर्म लग गई ना, विजिटेड की फर्स्ट फॉर्म लग गई, डिड नॉट का इस्तेमाल हुआ। सो डिड नॉट पास इंडेफिनेट में यूज होता है, लेकिन जब भी ये यूज होता है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देता है और सारी इसकी सेकंड फॉर्म खुद ही खींच लेता है। ठीक है, अगला मैं लेती हूं, मैंने रात तक काम किया, ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव होगा वो होगा आई वर्क एट नाइट। अब इसका नेगेटिव, मैंने रात तक काम नहीं किया तो आई डिड नॉट वर्क एट नाइट, तो वर्क जो सेकंड फॉर्म थी वर्क्ड वो फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्क। तो ये नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और आप इसको और अच्छे से ले सकते हैं, जैसे लास्ट देखते हैं इसका नेगेटिव का, कि पहले तो सिंपल देखेंगे, नंदनी रोई, तो इसका सिंपल क्या होगा, नंदनी क्राइड। अब इसका नेगेटिव, नंदनी नहीं रोई तो नंदनी डिड नॉट cry, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो ये होता है पास्ट इंडेफिनेट, यहां पर पास्ट इंडेफिनेट में डिड नॉट का यूज होता है, लेकिन जब डिड नॉट लगता है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म लगा देता है, वो आपने देख लिया। ठीक है, आप इसके इंटरोगेटिव ही सेंटेंस देखेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, डिड से स्टार्टिंग कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक कविता लिखी तो ही रोट पोयम, राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड है। ठीक है, इसका इंटरोगेटिव, क्या उसने कविता लिखी तो डिड ही राइट अ पोयम, फर्स्ट फॉर्म लगा दी, डिड से स्टार्ट कर दिया। ऐसी मैं नेक्स्ट लेती हूं, सीमा ने कपड़े धोए, पास्ट में चला गया तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, सीमा वॉश्ड क्लोथ, वॉश की सेकंड फॉर्म वॉश्ड, सीमा वॉश्ड क्लोथ। अब इसका इंटरोगेटिव, क्या सीमा ने कपड़े धोए, डिड सीमा वॉश क्लोथ्स, देखा तो डिड से स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। अब अगला देखते हैं, मैं गर्म पानी से नहाई, सो इसका जो पॉजिटिव होगा वो होगा आई बाथ विद हॉट वाटर। अब इसका इंटरोगेटिव, क्या मैं गर्म पानी से नहाई, डिड आई बाथ विद हॉट वाटर, तो ये हो जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो डिड से स्टार्ट होंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, तो पास इंडेफिनेट में आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव के लिए डिड नॉट लेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। आपको आपको पूरी की पूरी फॉर्म की तीनों फॉर्म्स याद करनी होंगी, जैसे कि सी सॉ सीन। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म के लिए पास इंडेफिनेट के पास जाएंगे। अब लास्ट हमेशा की तरह मैं लेती हूँ, इसको मैं बताती हूँ, जैसे कि राहुल ने गेम खेला, इसका सिंपल राहुल प्लेड गेम, इसका नेगेटिव राहुल ने गेम नहीं खेला, राहुल डिड नॉट प्ले गेम। इसका इंटरोगेटिव लेंगे, क्या राहुल ने गेम खेला, डिड राहुल प्ले गेम, ये तीनों के तीनों हो गए, एक पॉजिटिव हो गया राहुल ने गेम खेला, राहुल ने गेम नहीं खेला नेगेटिव, क्या राहुल ने गेम खेला, ये इंटरोगेटिव। ऐसे ही एक और लेते हैं मैं, बच्चों ने काम किया, चिल्ड्रन डिड वर्क, यह है सिंपल, बच्चों ने काम नहीं किया, चिल्ड्रन डिड नॉट डू वर्क, डिड नॉट लग के साथ डू का यहां पर काम का डू लग गया। अब क्या बच्चों ने काम किया, तो इसका क्या होगा, डिड चिल्ड्रन डू वर्क, सो ये हो जाते हैं अपने पास्ट
इनडेफिनेट, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आप पास्ट टेंस लगाएंगे, नेगेटिव के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे और इंटरोगेटिव के लिए आप डिड का इस्तेमाल करेंगे।